बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नन। और मैं हूँ भाभी। आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज मेरी भाभी तड़कती भड़कती मजेदार सवैयों की बिरयानी लेकर आई है आपके लिए। इसका नाम है पास्ता सवई। पास्ता समय बिरयानी। और भाभी कहती हैं कि इसको खाते ही आप गोश्त और चिकन की, बीफ और चिकन की बिरयानी भूल जाएंगी, क्योंकि ये एकदम बहुत मजे की, हम क्या बताएं आपको, कि ये मुंह में डालते ही भूल जाएगी। हाँ, बहुत मजे की। ट्राई जरूर करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने पास्ता लिया है, आधा किलो हमने पास्ता लिया था और इसको हमने बॉइल किया है। चले देखते हैं इसको हमने किस तरह बॉइल किया। ये पानी गर्म होने के लिए क्यों रखा है? ये पानी पहले तो आप ये देखिए, हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था। इसमें हम जो है खाने के 2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे भर भर के एकदम। ये देखें, और ये देखिए हमने पास्ता सवैयाँ लिए, वो हमने इसमें डाल दिया। ये आधा किलो के करीब है। ये पास्ता सवैयों की कैसे बिरयानी बनाएंगी भाभी आप? बहुत मजे की बनती है, बनाइएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए हमने इसको इस तरह मिक्स कर दिए और अब हम इसके बॉईल होने का इंतजार करते हैं। देखिए ये हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे छन्नी में। आप खा के देखिएगा, ठीक है? तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि ये गल गया है अच्छे से। ओके, चले हम उतार लेंगे इसको। तो बाकी सब चीज़ें देखते हैं। जिसके लिए हमने सूखे मसाले लिए हैं, हमने खाने का 1 चम्मच हमने कुटी मिर्चें ली हैं, खाने का 1/2 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, चाय का 1 चम्मच हमने जो है वो लिया है अदरक की सौंठ लिए, और ये खाने का ये 1 चम्मच हमने लहसुन को कूट कद्दूकस करके, और ना पाए तो ये 1 चम्मच बनता है। और ये हमने चाय का ही 1 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि हम पास्ता में भी नमक डाल चुके हैं। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। चाय का 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है। ओके, और ये एक प्याला हमने मटर लिया है और 1 बड़े साइज का आलू लिया है, जिसको हमने इस तरह हमने आलू को काट लिया है। आपके हाथ बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू। और ये हमने 2 हरी प्याज ली थी पूरी, जिसका ये जो है हरा पार्ट ये रहा, व्हाइट पार्ट ये रहा। ओके, और 1 बड़े साइज की गाजर ली थी, उसको हमने छिलका उतार के इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसको भी हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। ठीक है, 1 शिमला मिर्च ली, इसकी बीजें निकाल के हमने इसको इस तरह लंबाई में काट लिया है। हसबे ज़रूरत हमने हरा धनिया लिया है। ये 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, जिसको हमने इस तरह बड़े बड़े कट कर लिए। और ये खाने का 2 चम्मच हमने सिरका लिया है, सोया सॉस लिया है, सॉरी सोया सॉस लिया था भाभी हमने। ये हमने आधा कप ऑयल लिया है जो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले हम ये ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा डाल दिया हमने, थोड़ा सा फ्राई होता है ज़ीरा और जो हो गया है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसमें ये लहसुन डालेंगे, बगैर हिलाए हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसमें हम जो हरी प्याज जो ली थी, जिसका जो सफेद पार्ट है वो ऐड करेंगे हम इसमें। और इसी के साथ ही हमने जो हरी मिर्ची ली थी हम वो भी डाल देंगे इसमें, और इनको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे सब चीज़ों को, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए बिल्कुल, और जो आना शुरू हो गई है। पतीलों से छलांगे मार रहे हैं ये लोग, है ना? और लहसुन की, हरी मिर्ची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें बस, अब हम तो इस टाइम जो है ये टमाटर ऐड करेंगे इसमें, और ये जो गाजर है ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। जो देर से गलेंगे उन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। उसको ऐड कर दिया है हमने, इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ ही हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है इसमें। इसके साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे और ये आलू भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो सूखे मसाले थे वो भी हम डाल देंगे, नमक, कुटी मिर्चें, अदरक की सौंठ और हल्दी। हल्दी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से इसको। और कितनी देर पकाएंगे भाभी? इसको पकाएंगे मटर और जो है आलू गल जाए। डालेंगे अभी हम इसके अंदर? जी बिल्कुल पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मतलब है कि 1 कप पानी हमने इसमें डाला है, ताकि हमें मटर और जो है आलू अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे, और गाजर भी ना, गाजर जी, गाजर तो हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी बिल्कुल 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो हम ये चेक करते हैं, और ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, आलू भी गल चुका है, मटर भी गल चुका है। आपने चेक किया था बीच में? चेक किया था हमने। देखें हम आपको दिखाते हैं, ये देखें जबरदस्त।
गल गया, बस हम इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसके ताकि पानी इसका पानी जी पानी इसका खुश्क हो जाए। और जो है अब हम इसमें डालेंगे जो है ये शिमला मिर्च डाल देंगे हम इसमें। अच्छा ये बिरयानी मैं पहली दफ़ा खाने वाली हूँ भाभी, बहुत टेस्टी होती है। अच्छा और क्या डाली है हमने, हरी प्याज डाली है हमने और ये सोया सॉस भी डाल देंगे और जितनी चीज़ें रुकी हुई थी हम सब इस टाइम ऐड कर देंगे। ये देखिए और ये हरा धनिया आधा डाला है, थोड़ा सा डाला है हमने, आधा थोड़ा सा रोक दिया था थोड़ा सा। अच्छा सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आपको पसंद हो हाँ, तो ये चिली गार्लिक सॉस खाने के एक चम्मच हम ऐड कर रहे हैं इसमें। अगर पसंद हो हमें तो बहुत पसंद है। अभी इन्होंने बोला कि डाल दें तो हमने कहा लाओ चलो डाल देते हैं। ठीक है इसको भी हमने मिक्स कर लिया। बस अब हम जो है ये डालेंगे अपने पास्ता सवैया जिनकी बिरयानी मैं भी पहली दफ़ा खाने वाली हूँ और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत मजे की मतलब सुनने में मुझे इतनी टेस्टी लग रही है, टेस्टी सा फील हो रहा है, तो सोचे खाने में तो ओफ अच्छी लग रही भाभी। हाँ इसे सब डाल दिया हमने, बनाइएगा इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आए और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी स्पेशल बिरयानी कैसी लगी, झटपट सी बिरयानी भाभी मुझे कहती है झटपट सी बिरयानी। ये देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब और ये बहुत अच्छी लग रही है भाई, लग रही है ये वाकई चावल लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और माशाल्लाह बहुत मजे की लग रही है, बनाइएगा इंशाल्लाह पसंद आएगी झटपट सी बिरयानी जी। मेरी भाभी मुझे कहेंगे, मैंने कहा भाभी यार चिकन और बीफ वगैरह डालते हैं ना तो कहेंगे आप चिकन और बीफ की बिरयानी भूल जाओगे ये झटपट बिरयानी खाने के बाद, है ना भाभी जी। बिल्कुल एंजॉय करिएगा इसको आप अपने प्यारों के साथ अपने बहन भाइयों के साथ। बिल्कुल ये देखें बिरयानी हमारी तैयार है और बहुत मज़े की बनी है, चूल्हा ऑफ कर दिया है हमने, बहुत मज़े की है और ये बनते बनते में ही दो आदमी ले जा चुके हैं इसको और हम चूल्हा ऑफ कर चुके हैं इसका। इसको ट्राई कर ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें तैयार है बिरयानी, बहुत मज़े की बनी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आगे आप बोलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।